नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। दोस्तों पिछले 2 से 3 सालों के अंदर पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन सभी क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। साथ ही साथ इस बार के एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, यानी कि पिछले साल और इस साल जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं और जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। और इस बार मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसमें से 60-80% क्वेश्चन आपके इस बार के एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उसको नोट करिएगा। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहां पर लघु उत्तरी प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाते हैं, आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है भीष्म के अनुसार राजधर्म का महत्व बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो राजधर्म है यहाँ पे आपको भीष्म के अनुसार राजधर्म का महत्व बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है दंड नीति की समीक्षा कीजिए अथवा महत्व बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो दंड नीति है यहाँ पे आपको दंड नीति का महत्व बताना है अथवा दंड नीति की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1885 से 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो 1885 से लेकर 1905 ईस्वी के बीच में जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम हुए थे उन कार्यक्रमों के बारे में आपको बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख धाराएं क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है यहाँ पे आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख धाराओं के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो नागरिकता है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है मौलिक अधिकार का अभिप्राय बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मौलिक अधिकार है उसका क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है, क्या मतलब है, यहाँ पे आपको मौलिक अधिकार का अभिप्राय बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है यहाँ पे आपको भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संक्षिप्त विवेचना करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो संविधान है उसमें संशोधन की क्या प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ बताइए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रपति है उसकी संकटकालीन कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, यहाँ पे आपको राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दसवां क्वेश्चन दिया हुआ है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के संबंधों का उल्लेख कीजिए। दसवां क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के संबंध क्या है, यहाँ पे आपको राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के संबंधों के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका ग्यारहवां क्वेश्चन दिया हुआ है न्यायिक समीक्षा के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। ग्यारहवां क्वेश्चन कह रहा है जो न्यायिक समीक्षा उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको न्यायिक समीक्षा के महत्व पर टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका बारहवां क्वेश्चन दिया हुआ है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताइए। बारहवां क्वेश्चन कह रहा है जो उच्च न्यायालय है यहाँ पे आपको उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तेरहवां क्वेश्चन दिया हुआ दीवानी न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तेरहवां क्वेश्चन कह रहा है जो दीवानी न्यायालय है यहाँ पे आपको दीवानी न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौदहवां क्वेश्चन दिया हुआ है मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौदहवां क्वेश्चन कह रहा है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है यहाँ पे आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरी प्रश्न के अंदर पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरी प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आचार्य भीष्म के राजधर्म की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो राजधर्म है यहाँ पे आपको आचार्य भीष्म के अनुसार राजधर्म की विवेचना करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या आप इस विचार से सहमत है कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना था। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो कांग्रेस थी उसकी स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करने के लिए किया गया था, इस विचार से आप सहमत है कि नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम है उसके कौन कौन से प्रावधान है, यहाँ पे आपको 1919 के भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
की बात की जाए तो यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो स्वतंत्रता का अधिकार है, यहाँ पर आपको संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार की विवेचना करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पाँचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निदेशक तत्वों की समीक्षा कीजिए। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय संविधान में जो उल्लिखित राज्य के नीति निदेशक तत्व है उसकी समीक्षा करना है, उसके बारे में आपको बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, यहाँ पर आपको भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसके कार्यों की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रधानमंत्री, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके कार्यों की विवेचना करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा के कार्यों तथा शक्तियों का परीक्षण कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्यसभा है उसके कौन कौन से कार्य हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले राज्यसभा के कार्यों के बारे में बताना है तथा उसकी शक्तियों का परीक्षण करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, संसद में कानून निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है, यहाँ पर आपको संसद में कानून निर्माण प्रक्रिया के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका दसवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य मंत्रिपरिषद के अधिकार एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। दसवां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य मंत्रिपरिषद है उसके कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन से कार्य हैं, यहाँ पर आपको राज्य मंत्रिपरिषद के अधिकारों के बारे में बताना है और उसके कार्यों का वर्णन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका ग्यारहवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य विधानसभा की रचना व कार्यों का वर्णन कीजिए। ग्यारहवां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य विधानसभा है उसकी रचना कैसे होती है, उसके कौन कौन से कार्य हैं, यहाँ पर आपको राज्य विधानसभा की रचना के बारे में बताना है और उसके कार्यों का वर्णन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका बारहवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधानसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। बारहवां क्वेश्चन कह रहा है जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उसके कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, यहाँ पर आपको विधानसभा अध्यक्ष के कार्य बताना है और उसकी शक्तियों का वर्णन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका तेरहवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका के स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए। तेरहवां क्वेश्चन कह रहा है जो सर्वोच्च न्यायालय है या जो न्यायपालिका उसकी कौन कौन सी स्वतंत्रता है, यहाँ पर आपको सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका के स्वतंत्रता के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका चौदहवां क्वेश्चन दिया हुआ है, न्याय पंचायत के गठन एवं क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। चौदहवां क्वेश्चन कह रहा है जो न्याय पंचायत है, यहाँ पर आपको सबसे पहले न्याय पंचायत के गठन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके अधिकार के बारे में बताना है, अधिकार के क्षेत्र के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पंद्रहवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संघ में केंद्र व राज्यों के संबंधों का वर्णन कीजिए। पंद्रहवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संघ है, यहाँ पर आपको भारतीय संघ में केंद्र व राज्यों के संबंधों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंदर पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया, सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए, किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।